शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला दोनों ही लाइव आए थे एक साथ, और इन दोनों को लाइव सेशन के दौरान कई फैंस ने एक ही मैसेज किया है जो शायद आप लोग भी चाहते हो। चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रुदन ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। बिग बॉस 13 के जो सीजन आया है उसको लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है, और इसका फुल ऑन क्रेडिट हम दे सकते हैं शहनाज गिल को और सिद्धार्थ शुक्ला की वो केमिस्ट्री जो कि हमें लास्ट के कुछ समय में जो है वो नजर आने लगी थी, जब शहनाज जो है यानी कि सना जो है वो पारस से अलग होके सिद्धार्थ के साथ में उनकी दोस्ती जो है वो बढ़ने लगी थी। उसके बाद से ही दोनों की फ्रेंडशिप को लेके, दोनों के प्यार को लेके रोजाना चर्चा हुआ करती थी, और सलमान खान भी एक ऐसे सलमान खान भी थे जो कि हमेशा उन दोनों को टीज भी करते थे और बात भी करते थे, और इन दोनों की नोकझोंक, इन दोनों की टीज करना, झगड़ा, ये सब हर कोई हर चीज पसंद करता था। पहले आपको बता दूं कि अगर फैंस का बस चलता तो वो बिग बॉस के घर में ही सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज की शादी तक करा देते। वेल, मैं आपको बता दूं कि जब वो दोनों घर से बाहर आए हैं बिग बॉस 13 से, जिसमें से सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो विनर बने हैं बिग बॉस 13 सीजन के, तो वहीं पे ही शहनाज ने वापस आने के बाद में एक शो किया जो कि उतना कमाल नहीं कर पाया, क्योंकि भाई उसमें सिद्धार्थ शुक्ला नहीं थे, तो फैंस को वो जो जोड़ियां जो थी वो बहुत ही ज्यादा कम लग रही थी। अब ऐसे में हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल को मैसेजेस किया करता था कि आप लोग एक साथ फिर से नजर आइए, तो जिसके लिए सिद्धार्थ शुक्ला ने एक लाइव सेशन रखा इंस्टाग्राम पर, जहां पर शहनाज ने भी उनको ज्वाइन किया। सिद्धार्थ के घर पर आई थी शहनाज और दोनों ने एक साथ लाइव सेशन में खूब मस्ती करी, फिर से एक वही केमिस्ट्री देखने को मिली जो कि हम बिग बॉस 13 के घर में देख रहे थे। मैं आपको बता दूं कि फैंस के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जो था वो बार 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 रिपीट हो रहा था, और वो था कि वापस से सिद्धार्थ देखने को मिले, जो कि हैशटैग ट्रेंड भी करता है सोशल मीडिया पर, सिद्धार्थ शाइन। वेल, मैं आपको बता दूं कि काफी लोग चाहते हैं कि इनको वापस से देखे, क्योंकि भुला दूंगा म्यूजिक के बाद में सिद्धार्थ शुक्ला ने दूसरा सॉन्ग किया है जिसका नाम है दिल को करार आया, और जो उन्होंने किया है नेहा शर्मा के साथ। केमिस्ट्री दोनों की भले ही अच्छी हो, लेकिन फैंस जो है वो उन्हें शहनाज गिल के साथ ही देखना चाहते हैं। ऐसे में काफी दिलचस्प होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल एक साथ एक प्रोजेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।